हेलो सबको, राधे राधे। मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है आज शाम से लेकर डिनर तक का रूटीन है ब्लॉग। आशा करती हूँ आपको पसंद है। तो राधे राधे, मेरे इस ब्लॉग की शुरुआत शाम से हो रही है। आप देख सकते हैं शाम होने ही वाली है, छुपने ही वाले हैं। और देखिए कितने सारे कपड़े धोए हैं। मैं ये सब कपड़े नीचे लेके जाऊंगी। पूरे छत पे कपड़े ही कपड़े हैं और मैं अभी कपड़े नीचे लेके जाऊंगी। फिर मैं बनाऊंगी चाय। चाय बनाने के बाद मैं करूंगी शाम के खाने की तैयारी। आज शाम के खाने में है भिंडी, हो सकती है बच्चों के लिए, और बनेगा मेथी का साग आलू। और मैं चलती हूँ अब नीचे, फिर हम मिलते हैं। ये सब कपड़े मैंने इसके अंदर बांध लिए। अब चलते हैं हम नीचे। नीचे बनाते हैं चाय और करते हैं शाम के डिनर की तैयारी। और हम आ गए किचन में। देख सकते हो मैंने दोपहर में सब पूरा गैस स्टोव सब क्लीन करके रखा था, एकदम क्लीन करके रखा था। अब मैं इसको लगा दे रही हूँ अच्छे से और फिर हम बनाते हैं शाम के खाने की तैयारी करते हैं। शाम के खाने में हमारे है बड़ी मेथी का साग। तो हम बनाते हैं थोड़ी सी चाय। हम बनाते हैं चाय और फिर हम करते हैं खाने की तैयारी। यही है मेरा शाम का रूटीन। देखते हैं तो खाना 8 बजे तक खाना, फिर बर्तन सब काम करना पड़ता है। सुबह बच्चों का स्कूल होता है, उनके लिए भी नाश्ता तैयार करना होता है। मैं सब सुबह ही बनाती हूँ, ये नहीं कि रात को कुछ भी हो। लेते हैं चाय, लाल आलू। इसकी रेसिपी में यह है मेथी का साग, पालक का, यह है लाल आलू। इसकी रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ मेरे चैनल पे। मेथी का साग और आलू की रेसिपी डली हुई है, आप एक बार देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। इसमें से थोड़ा साग मैं ज़रूर बचाऊँगी मेथी के पराठों के लिए, सब्जी के लिए। और ये मेरी हो गई चाय तैयार। ये हो गई है एकदम शाम, इतना ट्रैफिक चलने लगा है एकदम। ये है मेरे पौधे, ये मेरा वाइट रोज। ये पौधा बहुत ही छोटा हो गया, सारे पत्ते झड़ गए थे, फिर मैंने इसको लगाया। फिर ये भी मेरे रोज के प्लांट हैं, इसमें पत्ते आने लग गए हैं। ये मेरा है बड़ा वाला फ्लावर। ये देखिए हमारा आटा लग चुका है, चावल बनने के रख दिए हैं। मैंने साग छौंकने की कर रही हूँ तैयारी। मैंने इसी ही कढ़ाई में मैंने उबाला था, इसमें ही मैं और ये साग में मैं डालूँगी लहसुन, सूखी मिर्ची और हींग। और मेरा डिनर हो गया एकदम तैयार, फटाफट से पराठे बना लूँ। और मैं मिलती हूँ आपको कल ब्लॉग में, जिसमें मैं अपने पौधों का और कुछ और भी नई रेसिपी का ब्लॉग दिखाऊंगी। गाजर का हलवा जो कि मैं आज बना नहीं पाई, क्योंकि मुझे आज बनाना था मिर्च का अचार, इसलिए नहीं, सॉरी गाजर का अचार, इसलिए नहीं बन पाया था हलवा। मैं वो रेसिपी
कल डालूंगी गाजर के हलवे की। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, सबको राधे राधे। मैं बना रही हूँ साग के साथ पराठे, पूड़ी भी बना सकते हैं, बाजरे की रोटी भी बना सकते हैं। और हमारा पराठा हो गया है एकदम तैयार। हमारा साग जो कि बन चुका है, इसमें चावल बन गए हैं और मेरा पराठा। और ये लग चुकी है हमारी थाली, इसमें है मेथी का साग और गर्मा गर्म पराठे, चावल आएंगे बाद में। थाली में मेथी का साग, पराठे, चावल और प्याज। मैं ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद